नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे ज्योतिष वास्तु चैनल ABS में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में राम मंदिर की जबरदस्त चर्चा चल रही है। भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के आयोजन की अयोध्या में तमाम तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। दोस्तों, 22 जनवरी को भगवान विष्णु के अवतार वीरदा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म स्थल अयोध्या के नए भव्य मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। दोस्तों, आपने भी कई जगह देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में राम दरबार देखने को मिलता है। प्रभु राम की कृपा पाने के लिए आप भी घर में इसकी स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र और हिंदू धर्म में राम दरबार का खास महत्व माना गया है। दोस्तों, यह एक प्रकार की तस्वीर या प्रतिमा होती है जिसमें भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी एक साथ होते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में राम दरबार को स्थापित करने के लिए शुभ दिशा का वर्णन किया गया है। यदि इस दिशा में श्री राम का दरबार लगाया जाता है तो पारिवारिक धन सुख शांति में वृद्धि होती है। हिंदू धर्म के अनुसार भी घर की सही दिशा में राम दरबार लगाने से पूजा पाठ का पूरा फल मिलता है, साथ ही देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में राम दरबार किस दिशा में लगाना चाहिए और किस आदमी को घर में राम दरबार लगाने से बचना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार राम दरबार को हमेशा घर की पूर्वी दीवार या पश्चिम की दीवार पर लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से धन सुख शांति बरकरार रहती है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्यार और एकता बनी रहती है। दोस्तों, घर में राम दरबार स्थापित करने के बाद वहाँ नियमित रूप से पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार की खुशियाँ कभी भी कम नहीं होंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर में राम दरबार होता है वहाँ के लोगों को जीवन की अनेक परेशानियों से छुटकारा भी मिल जाता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में कोई मांगलिक है और उसकी शादी के बाद पति पत्नी के बीच आपसी झगड़े या तलाक के केस चल रहे हैं तो घर में राम दरबार तब तक नहीं रखना चाहिए जब तक समस्या का हल ना हो जाए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान राम मांगलिक थे और उन्हें सीता माता का साथ बहुत ही थोड़े समय के लिए मिला था। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी सही लगी हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। जय हिंद। जय भारत। आपका समय शुभ रहे।